नमस्कार, द लाइव इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि शर्मा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर। सायगढ़ वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को वन और वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्कूली बच्चों को यह शिक्षा दी गई कि किस प्रकार से बच्चों को वन के प्रति अपनी श्रद्धा रखना चाहिए और वन क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। इसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन विभाग की जानकारी स्कूली बच्चों को दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों के साथ कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गईं, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना उत्साह दिखाया। इसके बाद बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार भी वितरित किए। जंगल बचाना ये तो वन पर्यावरण और वन कि बच्चे आगे चल के इसमें जागरूक हों और पेड़ बचाएं और ये अपने वन्य जीव हैं इनका संरक्षण हो सके और इन बच्चों को जंगलों के जो भ्रमण कराते हैं जड़ी बूटियां पेड़ पौधों की जानकारी हो सके इसका खास तौर से। सायगढ़ वन मंडल द्वारा हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्कूली बच्चों को पूरे वन का भ्रमण कराकर उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से पौधरोपण करना चाहिए और वन को बचाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें जड़ी बूटियों से संबंधित भी जानकारी दी जाती है कि जड़ी बूटियों का उपयोग किस किस जड़ी बूटी में कहाँ कहाँ किया जाता है। बच्चे भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आनंद के साथ पूरे वन का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त करते हैं। सायगढ़ से पुष्पेंद्र यादव की रिपोर्ट। जड़ी बूटियाँ अनेक प्रकार की जानकारी दी गई और उनके ड्राइग्राम द्वारा उनकी जानकारी दी गई, चित्रकारी की गई, उनके लिए प्रोत्साहन किया गया। जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर पे आए हैं उनका अच्छा प्रोत्साहित की गई, जिनके लिए उनके द्वारा क्या बोलते हैं कैप और बॉटल वगैरह और सामग्री प्रदान की गई। आज यह वन विभाग के द्वारा जो अनुभूति कार्यक्रम किया गया है, इसमें बच्चों के लिए बहुत उत्साह के साथ में बनाया गया है और बच्चों की सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता भी की गई है। बच्चों के लिए जंगल में भ्रमण भी कराया गया है और इसके बाद ड्राइंग वाली प्रतियोगिता भी की गई और सभी बच्चों के लिए भोजन कराए गए हैं, समय से नाश्ता दिया गया है। बच्चों में बहुत उत्साह है और प्रकृति के प्रति बच्चों में बहुत